तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मीन तले और आपको मीन तले का व्यू बताऊं। प्लेस अनुराधपुर मीन तले। पूरे सीढ़ियाँ कंप्लीट करके आ चुका हूँ मीन तले के ऊपरी सिरे पे। और ये रहा श्रीलंका स्तूप। और फिर अब आगे जाएंगे, बहुत कुछ बताऊंगा, चलो आगे। तो फ्रेंड्स अभी है मीन तले के स्तूप पे घूम रहे हैं। अगर आप श्रीलंका में आएंगे तो अनुराधपुर को विजिट ज़रूर दे फ्रेंड्स। और अगर आप में अगर कोई श्रीलंका घूमना आना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मेरे साथ श्रीलंका वो घूम सकते हैं। और आप भी श्रीलंका घूमिए, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। वीडियो में आगे बहुत कुछ बताऊंगा, तो वेट करो फ्रेंड्स। बारिश आने की बहुत बड़ी चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि मीन तले पे जो है क्लाउड चेंज हो चुका है। तो सिंगल में क्लाउड को बोलते हैं वाला कुल। तो अभी वाला कुल आ गया है तो लगता है बारिश होने फुल चांसेस है। तो अभी हम जाएंगे दूसरी तरफ फ्रेंड्स। दिस वन इज द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट स्तूप। तो अभी चढ़ रहा ऊपर जो महेंद्र थे तो वो मीन तले के पर्वत पे आए थे। तो बुद्धिज्म का प्रसार हुआ तो अभी ऊपर जा रहे हैं। तो जाने के बाद आपको ऊपर का व्यू दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। दिस वन इज मीन तले स्तूपा। और अभी पहले हम इसके ऊपर चढ़े थे और वहाँ से मैं अभी आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पे 7 दिन के लिए स्टे कर रहा हूँ, लेकिन 7 दिन आपके लिए काफ़ी नहीं है। श्रीलंका घूमना है तो
ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो महीना गुजारना पड़ेगा यहाँ की लोकल भाषा सीखना पड़ेगा। और लोकल भाषा का वीडियो मैंने डाल दिया है हिंदी टू श्रीलंका।